सो हेलो यूट्यूब फैमिली, आई होप यू ऑल आर डूइंग एक्सेलेंट। तो पहले तो सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सो गाइज, आज अपनी ZX10R का फर्स्ट सर्विस है और वो सर्विस के रिलेशन में सारी चीज़ें इसी व्लॉग में मैं कवर करूंगा। एंड सबसे बेस्ट पार्ट बोलता हूं, एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है एंड एक बैड न्यूज़ है। तो अपना गाड़ी जो है उसका सर्विस एंड जो गुड न्यूज़ है वो अभी मैं आपको थोड़े ही टाइम में दिखाऊंगा। सो बने रहिएगा इस व्लॉग में। अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो फटाफट चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ये व्लॉग को एंड तक देखना, स्किप करने का सोचना भी मत। ओके, चलिए गाइस व्लॉग को शुरू करते हैं। So, अभी मैं कावासाकी पाम बीच में आया हूँ और यहाँ पे ही अपनी गाड़ी का डिलीवरी हुआ था। और आज धनतेरस है तो आज निंजा 300 ये जो खड़ी है इसकी भी डिलीवरी है। तो अपनी जो बाइक है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइज, हियर इज़ आर 10R एंड आप देख सकते हो अभी हाइड्रोलिक से ऊपर होने वाली है। सो गाइज देखो, अभी हम लोगों ने पीछे का जो सीट है, काउल है, वो पोर्शन पूरा का पूरा ओपन अप कर दिया है। एंड ये वाली जो सर्विस है इसमें हम लोग बेसिक अपना ऑयल चेंज और जो जो छोटी मोटी चीज़ें होती है वो चेकअप्स, चेन जो होता है वो टाइट करना एंड कूलेंट लेवल, ऑयल लेवल, एयर फिल्टर, सब चीज़ जो है और इसी सर्विस में होता है। जो मैंने आपको बोला गुड न्यूज़ जो है वो ये था कि मैं ये पूरे के पूरे सर्विस में अप्रॉक्सीमेटली 5,000 रुपीज़ बचाने वाला हूँ। तो ये कैसे बचाने वाला हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। सो गाइज देखो, बेसिकली मैंने यहाँ से एक ब्रांड एम्बेसडर पैकेज है वो लिया हुआ है। तो ब्रांड एम्बेसडर पैकेज है उसके बारे में मैं थोड़ी डिटेल्स आपको देते रहूँगा, बट शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूँ कि ये पैकेज जिसने भी लिया है ना उसको कावासाकी की तरफ से जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं उसमें कॉस्ट सेविंग या फिर आपका एक डिस्काउंट, ये चीज़ का भी बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। सो गाइज देखो, अभी अपना ऑयल जो है वो ड्रेन हो रहा है तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। सो देखो, ये वाला जो ऑयल है ये अपने गाड़ी के साथ कंपनी से ही आया हुआ था। सो इस तरीके का यहाँ पे फ्लश हो गया है। सो बेसिकली ये जो ऑयल होता है दिस इज़ अ फ्लश ऑयल और इस ऑयल का जो बेसिक काम है वो ये है कि स्टार्टिंग में इंजन के जो भी पार्टिकल्स होते हैं या डस्ट होता है या जो भी इंजन में अक्यूमुलेट होता है वो सारा ये ऑयल जो है अब्जॉर्ब करके फर्स्ट सर्विस में निकल जाता है। तो इसके रिलेशन में एक चीज़ है कि ये फुल्ली सिंथेटिक भी नहीं होता एंड इसका लाइफ जो है वो भी इतना ज़्यादा नहीं रहता। तो इसके बाद हम लोग जो ऑयल आज अपने बाइक में डालने वाले हैं वो ये है। सो दिस इज़ द ओरिजिनल कावासाकी ऑयल एंड ये जो ऑयल है ये पेट्रोनस कंपनी का है एंड फुल्ली सिंथेटिक है एंड इसका जो लाइफ है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये सबसे बड़ा अपडेट है जो आज अपने सर्विस में हो रहा है। तो ये सर्विस के पीछे का सबसे बड़ा बेनिफिट जो है जो मैंने अवेल किया है वो मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस देखो, जैसे हर एक सर्विस सेंटर, हर एक कंपनी अलग अलग AMCs जो है वो ऑफर करती है अपने कस्टमर्स को, तो मुझे भी एक सर्विस जो था दैट इज़ कॉल्ड ब्रांड एम्बेसडर पैकेज वो ऑफर किया था कावासाकी ने। तो ये पैकेज के जो बेसिक डिटेल्स है वो मैं आपको बताता हूँ और कैसे मेरा जो बेनिफिट हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस देखो, यहाँ पे बेसिक ब्रांड एम्बेसडर स्कीम जो है उसका पूरा का पूरा फॉर्मेट है, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। सो यहाँ पे यू कैन सी दिस स्कीम allows a member to avail up to 20 services at our workshop in 10 years. Okay, तो 10 साल तक आप ये सर्विस लेने के बाद यहाँ पर सर्विस कर सकते हो। उसके बाद this scheme is transferable on multiple ownership even after the sale to the new owner. ये सबसे बेस्ट चीज़ है because अगर आपने बाइक बेच दी है तो भी आप ये सर्विस अवेल कर सकते हो जो सेकेंड ओनर होगा या थर्ड ओनर होगा उसके लिए। फिर प्रेफरेंसेस इन सर्विस अपॉइंटमेंट्स बिटवीन मंडे टू फ्राइडे, तो देखो मंडे टू फ्राइडे के टाइम पे आप सर्विस करो, उसमें भी आपको प्रायोरिटी मिलेगा। फिर उसके बाद सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लिखा है ₹30,000 लॉयल्टी बोनस फॉर कस्टमर्स ऑन परचेजिंग एनी न्यू कावासाकी बाइक अबाउ 300 CC's। तो अगर आपकी एग्जिस्टिंग बाइक के ऊपर कोई बाइक ले रहे हो तो आपको ₹30,000 का लॉयल्टी बोनस मिलने वाला है। और दूसरा फिफ्थ पॉइंट जो है वो है वैलिड अक्रॉस ऑल द सेंटर्स ऑफ एंजिन ऑटोमोटिव, मुंबई, गोवा, थाने, वाशी।
तो देखो, अगर आपका ये पैकेज आपने लिया हुआ है AMC, तो ये जितने भी शोरूम्स है एंजिन कावासाकी के, वहाँ पे आप ये सर्विस अवेल कर सकते हो। उसके बाद कंज्यूमेबल चार्जेस ऑफ 350 टू चेन लूप एंड चेन चार्जेस जो भी है, क्लीन चार्जेस 350 प्लस वॉशिंग एंड वो वॉशिंग जो है वो 450 विल बी फ्री ऑन एवरी सर्विस। तो गाइज देखो, अगर आप ये सर्विस लिया हुआ है तो आपको ये सारी चीज़ें जो ये लोग आपको चार्ज करने वाले थे सर्विस के टाइम, ये फ्री होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे अर्ली एक्सेस ऑन डिस्काउंट्स ऑन न्यू बाइक्स एक्सेसरीज 24 आवर्स, ये सो है 50% डिस्काउंट्स ऑन व्हील बैलेंसिंग। चलो ये सब जो चीज़ें आपको तो दिख गई रहेगी। देखो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको एकदम शॉर्ट में समझा देता हूँ कि आपका जो लेबर कॉस्ट होने वाला है वो टोटली फ्री होने वाला है, वो भी सर्विस के टाइम पे। ओके, तो अगर समझो मैंने सर्विस यहाँ पे की है तो मेरा जो एक अप्रोक्सीमेटली 4000 या 5000 का जो लेबर कॉस्ट था वो टोटली मुझे फ्री हो गया। और ये जो ब्रांड एम्बेसडर पैकेज का जो कॉस्टिंग है वो मुझे पड़ा है 22,500 रुपीज़ में। और ये अगर समझो मैंने टोटल चार सर्विस भी यहाँ पे कर ली तो भी 5000 रुपये के हिसाब से मेरा अप्रोक्सीमेटली एक या दो साल में, बेसिकली दो साल में पूरा का पूरा पैकेज का जो है वो वसूल हो जाएगा। एंड उसके बाद में मुझे जो भी सर्विसेज हो रही है जो मैं करने वाला हूँ यहाँ पे सर्विस सेंटर में, उसके सारे के सारे लेबर कॉस्ट जो है वो टोटली फ्री हो है। तो मुझे बेसिकली सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमेबल जैसे कि ऑयल फिल्टर या जो भी मैं पार्ट्स ले रहा हूँ इन लोग से, उसका ही पैसा भरना है। सो गाइज अभी देखो अपना जो ऑयल फिल्टर है वो यहाँ पे है, कावासाकी का ओरिजिनल जेन्युइन है जो यहाँ पे लगने वाला है, यू कैन सी। एंड ऑयल जो है वो थोड़े ही टाइम में हम लोग अंदर डाल देंगे। सो अभी ये चेन जो है उसका सेटिंग होगा। सो एयर फिल्टर का क्लीनिंग जो है ना गाइज वो होने नहीं वाला है, बिकॉज मैंने डायरेक्टली DNA का एयर फिल्टर लिया है। तो ये जो व्लॉग होने वाला है इसके बाद एक्चुअल में अपनी गाड़ी जो है बहुत सारा लोडिंग्स के साथ रेडी होने वाली है। तो ये वाला जो पार्ट है जिसमें गाड़ी का लोडिंग एंड सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है एग्जॉस्ट, जो देखो आपको यहाँ पे पीछे दिखता रहेगा। तो कौन सा एग्जॉस्ट है, क्या है, ये सारी चीज़ें आपको अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज इसके बाद बहुत ही तहलका ब्लॉग्स अपने चैनल के ऊपर आने वाले हैं। The bike is totally opened. So, अभी हम लोग है ना जो DNA का एयर फिल्टर लिया है वो चेंज करेंगे और स्टॉक जो है वो मैं लेके जाऊंगा घर पे। स्टॉक एयर फिल्टर है। सो फाइनली फर्स्ट अपग्रेड ऑन अवर Tenar इज हियर। ये DNA का एयर फिल्टर है और इसको लेने के पीछे एक स्पेसिफिक रीजन है, वो मैं आपको अभी इंस्टॉलेशन के टाइम पे बताता हूँ। सो हियर इट इज। सो गाइज यू कैन सी इसके जो इनलेट्स है वो पूरे A to Z ऊपर तक है, मतलब यहाँ तक है। ओके, अगर मैं दूसरे एयर फिल्टर्स की बात करूँ जैसे कि BMC और KNN हो गए, तो उनके ना यहाँ से लेके यहाँ तक रहते हैं, आई थिंक सो, मैंने जितना रिसर्च किया है, और ये एंड तक यहाँ तक है। सो अगर आप आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाने वाले हो तो ये वाला एयर फिल्टर एक्चुअली में रिकमेंडेड है। दिस इज़ द
डीएनए एयर फिल्टर। सो अभी हम लोग लास्टली जो ब्रेक क्लीनर है वो अप्लाई कर रहे हैं। सो ये करने से पूरा का पूरा जो कार्बन डिपॉजिट्स है, ब्रेक डिपॉजिट्स जो है वो ब्रेकिंग के टाइम होती है वो सारी क्लीन हो जाएगी। सो अभी एक लास्ट काम बाकी है अपना, वो है चेन क्लीनिंग और चेन लूप। और आप देख सकते हो यहाँ से टेल भी हम लोगों ने हटा दिया है। तो ये क्यों हटा है ये व्लॉग में नहीं, अगले व्लॉग में आप लोग को दिखेगा कि कुछ तो तहलका यहाँ पे भी आने वाला है। सो चेन जो है वो क्लीन हो रहा है इस तरीके से। सो गाइज अपनी जो टेनर है उसका पूरा का पूरा सर्विस जो है फर्स्ट वो हो चुका है और अभी सिर्फ एक ही चीज़ बाकी है, वो है वॉशिंग एंड चेन लूप। सो गाइज मैंने आपको जैसा बोला था एक बैड न्यूज़ जो है वो मैं आपको इसी व्लॉग में देने वाला हूँ। तो बैड न्यूज़ ये है कि जो ब्रांड एम्बेसिडर पैकेज है जो AMC जो कावासाकी ने ऑफर किया था वो एक्चुअली पिछले महीने के लास्ट तक ही था। तो बट आई वॉज वेरी लकी कि मैंने लास्ट दिन पे ही वो पैकेज जो है उसको परचेस कर लिया था और वो अवेल कर दिया था। सो गाइज ये वाला व्लॉग जो है यहाँ पे मैं एंड करता हूँ बिकॉज इसके बाद अपने चैनल के ऊपर अपनी टेनर का पूरा एक्सेसरीज इंस्टॉलेशन एंड एग्जॉस्ट का इंस्टॉलेशन होने वाला है। एंड गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो अपना ब्रांड न्यू एग्जॉस्ट यहाँ पे ही है। तो आप लोग तब तक गेस करो कि ये कौन सा एग्जॉस्ट है। अपनी विंडस्क्रीन वहाँ पे आ चुकी है, एयर फिल्टर तो ऑलरेडी हम लोगों ने डाल दिया था, उसके बाद थोड़े और एक्सेसरीज है यहाँ पे है। देन वी हैव टेल टाइडी, शिफ्ट सॉक जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो चुका था, वो एक न्यू नंबर प्लेट मैंने ली है, थोड़े से बोल्ट्स मैंने लिए हुए हैं। एंड यहाँ पे भी जो नंबर प्लेट का होल्डर है वो भी हटा दिया है थोड़ा सा क्लीन लुक के लिए, बिकॉज विंडस्क्रीन के साथ जो वहाँ पे है बड़ी वाली ये अच्छे नहीं दिखेंगे। एंड बेसिक एक्सेसरीज तो पहले ही मैंने इंस्टॉल कर दिए थे। एंड ये वाला जो टायर हगर है हॉट बॉडीज़ का, ये भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है, मुझे कमेंट्स में भी थोड़े लोगों ने बोला था। अगले ब्लॉग के लिए वेट करो, मिलते हैं गाइज अगले ब्लॉग में। टिल देन राइड हार्ड राइड सेफ और अपना हेलमेट जो है उसको पहनना बिल्कुल भी भूलना मत। साइनिंग ऑफ, बाय बाय।